हाय एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सभी से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि जो बहुत सी बार क्या होता है, हमारा ये वाला नेटवर्क जो कनेक्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जहाँ एक वायर लगता है, इस जगह एक वायर लगता है, ये वाला जो वायर है यहाँ पे लगता है इस जगह, तो बहुत सी बार क्या होता है ये टूट जाता है, तो हम लोग इसको क्या शॉर्ट कर देते हैं, दोनों वायर हैं वो दोनों एक ही जगह लगा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या दिक्कत आती है, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दिख रहे बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सी बार क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये वायर है, ठीक है, तो ये जो वायर है इसका सॉकेट हमारे पास सही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है जो प्लेट के ऊपर जो सॉकेट होता है ये वाला, ये टूट जाने की वजह से हम लोग इसको यहाँ से काट के, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इस वायर को यहाँ से काट दिया है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, मैंने जैसे ही वायर को काट दिया है, अब इसमें जैसे कि आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे वायर इस तरफ है और एक वायर यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों वायर को एक मिक्स करके और इनमें यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। होता क्या है, दरअसल उस टाइम तो नेटवर्क आ जाता है हमारे पास, लेकिन जैसे ही कस्टमर घर पे पहुँचता है या कुछ टाइम बाद, घर पे भी नेटवर्क आता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद दिक्कत ये आती है कि उसको नेटवर्क आना ही बंद हो जाता है, या फिर इतना स्लो नेटवर्क आता है कि अगर टावर के पास भी बैठे हों फिर भी नेटवर्क नहीं आएगा इसके अंदर, इतना स्लो नेटवर्क आता है, बिल्कुल लो आएगा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाएगी। तो ऐसे में आप लोग क्या करना है, जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, इसको आपको शॉर्ट कभी नहीं करना है। इससे क्या होता है, वैसे हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे जैसे कि इंडक्टर की तरह यहाँ पे बीप आती है, लेकिन बीप आने का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही शॉर्ट होता है, शॉर्ट नहीं होता है, इसमें हल्का फुल्का रेजिस्टेंस होता है। आप लोग जब इसको चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ पॉइंटों के अंदर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा इसके अंदर, एक तो बीच वाला पॉइंट और एक साइड वाले, जो ये एक मिनट आपको दिखाता हूँ, जो आपको ये वाला दिख रहा है ये पॉइंट, ये वाला, ये अलग होता है, बाकी ये तीनों दोनों साइड के और ये ऊपर वाला, तीनों एक जगह होता है, इनका तीनों का एक जगह होता है और इसका एक एक जो है उसका एक जगह पॉइंट अलग है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर लाइन देख भी सकते हैं, इस जगह से लाइन निकल रही है जो कि यहाँ से आते हुए बीच वाले में जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक नहीं है ये लाइन, ये अलग अलग लाइन होती है। तो आप लोग जब भी इस तरह से, मान लीजिए आपका सॉकेट टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सबसे पहले आपको एक काम करना है, वायर को इस तरह से काटना है, जैसे आप लोग देखते हैं मैंने अभी काटा है, तो इसमें क्या है कि एक वायर इसके अंदर, ये इंसुलेटेड है इसके अंदर, आप लोग देखेंगे इसको, ये इंसुलेटेड है प्लास्टिक के अंदर, क्योंकि अगर इंसुलेट नहीं होता तो इससे शॉर्ट भी हो सकता था, इसलिए इसको इंसुलेट किया होता है। और जो साथ में वायर आता है नेटवर्क वायर, वो तो कॉपर का होता है अंदर की तरफ, इसमें आप लोग देखेंगे तो सिल्वर का ही मिलेगा आपको, नॉर्मली जो लोहे का वायर होता है वो वाला मिलेगा इसके अंदर, और बाहर भी लोहे का ही मिलेगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, जो बीच वाला पॉइंट है उसको आपको, ये वाली लाइन दिख रही है हमेशा, ये अलग लाइन होती है ये वाली, इसमें आपको बीच वाले को लगाना है, जो बीच वाला आपको इंसुलेटेड वायर निकलता है इसके अंदर, चाहे वो कॉपर का हो, लोहे का हो, किसी भी तरह का हो सकता है, वो इंसुलेट होगा, कहने का मतलब प्लास्टिक के अंदर पैक होगा, एक प्लास्टिक ऊपर होगी उसके अंदर फिर तार मिलेंगे, उसके अंदर एक वायर मिलेगा जो कि आपको इस जगह लगाना है, बिल्कुल इसको निकाल करके बिल्कुल सोल्डरिंग करना इस जगह, आपको इस पर शॉर्ट नहीं करना है, ये अगर ख़राब हो गया तो इसको पूरे को निकाल देना है यहाँ से, उसके बाद इस जगह इस पॉइंट पर आपको शॉर्ट करना है। और जो दूसरा वाला वायर हमारे पास बचता है, जो बहुत सारे वायर आपको दिख रहे हैं वाले, इनको या इस दोनों तरफ कहीं से भी शॉर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ग्राउंड में भी शॉर्ट कर सकते हैं, ये ग्राउंड होता है दूसरा वाला। जब हम लोग इसको शॉर्ट कर देते हैं पूरी तरीके, दोनों वायर एक जगह लगा देते हैं ना, तब इसके अंदर जो नेटवर्क आईसी होती है उसमें लोड पड़ता है, स्टार्टिंग में नेटवर्क आता है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में दिक्कत होती है, कि उस पर लोड पड़ते पड़ते वो गर्म होकर फिर उसकी जो बोल्स होती है वो आपस में मिल जाती है, फिर आपका नेटवर्क आना ही बंद हो जाता है, या तो 4G नेटवर्क बंद होगा या फिर पूरा ही नेटवर्क आपका बंद हो जाएगा। ऐसे में आप लोग हमेशा सावधानी रखें कि कभी भी इसको शॉर्ट ना करें, अगर ये ख़राब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हटा दें, बीच वाला पॉइंट यहाँ लगाएं और जो बाकी बचा दूसरा वाला बहुत सारे वायर इनको साइड में लगा दें, आपका काम 100% हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों वीडियो चला, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में दिख रहे बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।